नमस्कार, न्यूज इन साइंस में आपका स्वागत है। दुनिया भर में महिलाएं जेंडर बायस का शिकार होती रही हैं, चाहे वो वोट डालने का अधिकार हो या फिर पढ़ाई का। विज्ञान भी इससे अछूता नहीं रहा है। अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए अंडररेटेड, अंडरपेड और अक्सर गैर मान्यता प्राप्त दुनिया भर की महिला वैज्ञानिक दशकों से जेंडर बायस से लड़ती रही हैं। और आज के रोचक किस्से में बताएंगे कि किसकी थी ऐसी संकीर्ण सोच और किसने दिया उसका सटीक जवाब। हालांकि भारत में राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारकों ने लड़कियों के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार अभियान चलाया था, लेकिन महिलाओं के लिए अध्ययन या विज्ञान में करियर बनाने के अवसर अभी भी बहुत सीमित थे। भारत में इस पूर्वाग्रह का उदाहरण उस समय का है जब देश में आधुनिक विज्ञान की शिक्षा शुरू ही हुई थी और देश आजाद भी नहीं हुआ था। और आज बात करेंगे कमला भागवत की, जिनका जन्म और पालन पोषण एक उच्च शिक्षित परिवार में हुआ था। स्कूल में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिजिक्स एवं केमिस्ट्री से बीएससी की डिग्री ली। पिता नारायण भागवत और चाचा माधवराव भागवत दोनों पहले से ही रसायन विज्ञान के छात्रों के बीच प्रतिष्ठित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कार्यरत थे। और शायद यही कारण था कि युवा कमला में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ने लगा था। इसलिए जब उसने फैसला किया कि वह रसायन विज्ञान में पढ़ना चाहती है, तो इससे उसके परिवार में किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। स्नातक होने के बाद कमला ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में मास्टर्स कोर्स के लिए आवेदन किया। यह न केवल उसके लिए एक पारिवारिक परंपरा थी, एक सफल वैज्ञानिक बनने के लिए यह उसके सपने का एक महत्वपूर्ण चरण था। उस समय आईआईएससी का नेतृत्व प्रोफेसर सी वीरमन कर रहे थे, जो भौतिकी में पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता थे। आईआईएससी को उस वक्त के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना जाता था। लेकिन एक युवा वैज्ञानिक कमला को उस वक्त एक बुरा झटका लगा जब उसे आईआईएससी में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। जबकि स्नातक में उसके सबसे ज्यादा अंक थे। असल में सी वी रमन ने कमला को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वह एक लड़की थी। यहां तक कि जब उसके पिता और चाचा ने रमन से कमला को एक मौका देने का अनुरोध किया, रमन ने कथित तौर पर यह कहकर कि मैं अपने संस्थान में लड़कियों को लेने नहीं जा रहा हूं, मना कर दिया। लेकिन कमला मजबूत इरादों से बनी थी और उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया और खुद जाकर प्रोफेसर सी वी रमन से मिली और उनका दाखिला खारिज करने का कारण जानना चाहा। शुरुआत में तो रमन ने कमला और उसके सवालों को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जब कमला ने हार नहीं मानी तो रमन कमला को आईआईएससी में प्रवेश देने के लिए सहमत हो गए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और ये शर्तें थी कि कमला को एक नियमित छात्र के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके साथ ही उसके अपने गाइड के निर्देशानुसार रात 10 बजे तक लैब में काम करना होगा और वो लैब का माहौल खराब ना करें। 22 वर्षीय कमला ने आईएससी में अध्ययन करने के लिए यह सब स्वीकार कर लिया और बन गई आईएससी की पहली महिला छात्र। लेकिन इस घटना से वह बहुत आहत हुई और भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, वैसे तो सी वी रमन एक महान वैज्ञानिक थे, लेकिन वे बहुत संकीर्ण सोच के थे। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती और मेरे साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया गया क्योंकि मैं एक महिला थी। यह मेरा बहुत अपमान था। महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह उस समय बहुत बुरा था। अगर कोई नोबेल पुरस्कार विजेता भी इस तरीके के व्यवहार करता है तो क्या उम्मीद की जा सकती है। आईआईएससी में अपने कार्यकाल के दौरान कमला ने पूरी निष्ठा के साथ काम किया और यहीं पर उन्हें एक ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने उनके जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी, और वो थे भारत में सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रदूतों में से एक श्रीनिवासैया, जो एक सख्त और डिटरमिंड शिक्षक थे और उन्होंने हमेशा अपने छात्रों को प्रोत्साहित करने का काम किया। प्रोफेसर श्रीनिवासैया के मार्गदर्शन में ही कमला ने दूध, दाल और फलियों में पाए जाने वाले प्रोटीन पर काम किया। उनके काम के प्रति उनका समर्पण ही था जिन्होंने रामन को भी अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर कर दिया था और साबित कर दिखाया कि महिलाएं वैज्ञानिक शोध में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। 1936 में कमला ने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शोध छात्रवृत्ति प्राप्त की
अगले साल रामन ने महिला छात्राओं के लिए ISC के दरवाजे खोल दिए और कमला ने एक मौन क्रांति लड़ी और उसे जीता ली। कमला भागवत विज्ञान के क्षेत्र में PhD करने वाली देश की पहली महिला वैज्ञानिक हैं। कमला ने 1939 में भारत लौटने का फैसला किया। वो महात्मा गांधी की एक अनुयायी थी। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी संघर्ष में मदद करना चाहती थी। इस समय के दौरान कमला ने पेशे से अभिनेता MV सोहिनी के साथ शादी की और 1947 में मुंबई में बस गए। और इस तरह एक महिला वैज्ञानिक ने साबित कर दिया कि अपने सपने पूरा करने के लिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है विज्ञान का यह रोचक किस्सा आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और रोचक किस्सों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।